छत्र मऊ से है, जहां आज मऊ जिले के रतनपुरा ब्लॉक के हल्दरपुर में पूर्वांचल के मालवी कहे जाने वाले शिव शंकर सिंह के पुण्य तिथि पर विमला शिव शंकर निजी प्रौद्योगिकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद घोसी बालकृष्ण चौहान रहे और इसकी अध्यक्षता टाउन डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर तेज प्रताप सिंह ने किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि का स्वागत सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रधानाचार्य डॉक्टर बलराम सिंह ने किया। उसके बाद मुख्य अतिथि ने शिव शंकर सिंह के मूर्ति पर माल्यार्पण कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात विद्यालय के संरक्षक संस्थापक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश बहादुर सिंह ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि शिव शंकर सिंह एक गरीब परिवार में जन्म लिए। उसके बाद वकालत करने के साथ उन्होंने काफी संघर्ष करने के बाद दर्जनों शिक्षण संस्थानों का निवारण की रखे। उसके बाद वकील साहब बलिया जिला के जिला पंचायत अध्यक्ष बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रधानाचार्य डॉक्टर बलराम सिंह ने वकील साहब के कृत्यों का बखान किया और प्रकाश डाला। कार्यक्रम उपस्थित लोगों का अभिवादन कृष्ण मोहन सिंह ने किया और इस कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अवनीश सिंह ने किया। छह महीने में एक विद्यालय खोल लेना, उसकी मान्यता ले लेना, कोर्ट ले लेना, विद्यालय प्रारंभ हो जाए, सरकार की दिल्ली से लेके लखनऊ तक सारी कार्रवाई सारी मान्यता प्राप्त हो जाए, अभ्यास हो। इसके लिए मैं इसमें शामिल सारे लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका आभार। आज स्वर्गीय श्री शंकर सिंह ने छह चीज बताई। हल्दरपुर में यह विद्यालय था, आज हल्दरपुर का यह इलाका जो 20-25 गांव से घिरा था शिक्षा का हब बन गया, बुरा मान गया, शिक्षा का हब बन गया। मुझे लगता है कि इस चट्टी पे एक दर्जन से अधिक विद्यालय, एक दर्जन से अधिक विद्यालय इस चट्टी पे। और अब जो ये क्रांति शुरू हुई है, आंदोलन शुरू हुआ, उसमें मुझे लगता है पॉलिटेक्निक है, फार्मेसी है, आईटीआई है, अब टेक्निकल शिक्षण संस्थाओं का भी ये हाल बनेगा, मुझे ऐसा विश्वास। इसमें विश्वास है कि कहीं से घूम फिर के यह उनकी जन्मस्थली है, कोई चाहे न चाहे, सरकार चाहे न चाहे घूम कर दीजिएगा, हम भी चाहे न चाहे, लेकिन इसे शिक्षा का हक तो बनना ही है। कॉलेजों का एक समूह तो इस शक्ति पे आना ही आना, आज आगे कल आगे दस बरस, इसका संपूर्ण नक्शा दूसरा है। समय नहीं मिला जिससे नक्शा नहीं बन पाया जो हम चाहते हैं, लेकिन अब मेरे न चाहने के बाद भी क्या बन जाएगा। हम लोग बहुत पहले आते थे, एक कक्षा नहीं, एक कक्षा तनाव की बात नहीं कर रहा, मरने के बाद से मैंने नहीं बनाया 132 केवी का रेलवे स्टेशन। उनके 13 सितंबर के दिन घोषणा की गई कि मैं 132 केवी का रेलवे स्टेशन बन गया, 33 का ग्यारह उनके न रहने के बाद उनके इसी कृषि पे बन गया, कृषि विज्ञान केंद्र बन गया, जल निगम किसान की बनी, दूर संचार टेलीफोन एक्सचेंज बना, और यही नहीं बना, इसके साथ साथ चाचा पाचा करे बिजली स्टेशन उनके न रहने के बाद कृषि विज्ञान के। आज ईमानदारी से सोचिए, वह नहीं है तो बना, उनके स्मरण में उनकी स्मृति में, वह नहीं है तो भी बना,
जो उनका उनको चाहने वाला है वह अपने को रोक नहीं सकता। अगर उनके विचारों से वह सच में काम करना चाहे तो कैसे रोके। ये मैंने उससे यहाँ के लोगों ने बनाया। अगर किसी को यह लग रहा हो कि 50 लाख रुपया मैंने दे दिया है, 1 करोड़ मैंने दे दिया है, और उनके सिर्फ वैसे ही होता है। ये सब कुआं खोदे हैं और पानी पी रहे हैं और आगे पानी पीने पिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं सब जो इसमें लगे हुए लोग, चाहे विद्यालय सरकार हो, चाहे प्रबंधक हो, चाहे जो भी कार्यकर्ता जो इसका साथ आया। स्वर्गीय शिवशंकर सिंह भी कोई पर्टिकुलर चार या सिविल या 8 या 10 तालीम आपका शिक्षक नेता है प्रदेश स्तर कहना होती है। एक निवेदन है आपको, आजादी के बाद शिक्षा का जो एक आंदोलन चला, उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेहरू इंटर कॉलेज या जितने कॉलेज हैं वह स्थापित हुए। मैं तो गर्व कहता हूं तो उस समय का इंतजार लिया जाए। नेहरू इंटर कॉलेज के प्रारंभिक 2 कमरे स्वर्गीय विभाग हलेपुर इंटर कॉलेज के प्रारंभिक 1 कमरा उन्हीं का बनवाया। आंदोलन चला, आप कहना चाहते हो मैनेजर हो, अध्यक्ष हो, जो चाहते हो वहां हो उसको चलाओ, लेकिन उस समय क्षेत्र में आवश्यकता है और क्या ऐसे नहीं हुआ। ये संस्कारों के साथ भारतीय संस्कृति सामासिक है, लेकिन सामासिक होते हुए भी जो संस्कार उसमें किए उसी संस्कार से सरकार, उसी संस्कार से आपने पंचायत किया, उसी सरकार से बाद में चल के ड्यूक्रेसी भी आया, लोकतंत्र उसका आधार सरकार रहा, संस्कार रहा। ये चीज आपसे मैं बताऊं, अगर आज क्या है, आज 3 शब्द है ना, एक सरकार है, दूसरा स्वता और तीसरा सरकार, ये 3 तरह के काम हो रहे, लेकिन मर्यादित काम सरकार से ही हो सकता है। संस्कार से उत्पन्न होगा सरकार मिल के काम करने की प्रवृत्ति, और उसने तो देश को दिया प्राथमिक तौर पर देश की संरचना उसके स्टैंड की खड़ी हुई। दूसरा कोई आधार